राहुल बवाल हो गया है, भारत के प्रधान जो है राहुल के साथ यहाँ सीतापुर में 27 सितंबर को थाना कोतवाली देहात इलाके के भगवानपुर के चक्कर घर में अतिक्रमण हटाने गई तहसील प्रशासन की टीम व राजस्व की टीम पर ग्रामीणों के द्वारा हमला कर दिया गया था, जिसके बाद जो तहसील प्रशासन है उसको बैरंग लौटना पड़ा था, जिसके बाद तहसील प्रशासन के द्वारा जो है जिन ग्रामीणों के द्वारा हमला किया गया था उनके ऊपर कार्रवाई की गई है। इस पूरी जानकारी के लिए सीधे जुड़ते सीतापुर संवाददाता निशांत गुप्ता के पास। निशांत जी बताइए कि तहसील प्रशासन के द्वारा जो कार्रवाई की गई है वो कौन लोग हैं और क्या कार्रवाई की गई है? बिल्कुल धनंजय, आपको बता दें कि सीतापुर जनपद की कोतवाली देहात इलाके के अंतर्गत सिटी स्टेशन पड़ता है, वहां पर एक तालाब की जमीन पर लोगों ने अतिक्रमण कर रखा था और अतिक्रमण के जरिए वहां पर आपको बता दें कि दीवार बनाई गई थी, जिसे सीतापुर की तहसील प्रशासन के द्वारा नायब तहसीलदार अतुल सेन सिंह और कानूनगो जो अध्यक्ष हैं और साथ में उनके लेखपाल वहां पे पहुंचे थे और उन्होंने उस जो तालाब पर अतिक्रमण कर रखा था उस दीवार को ध्वस्त कराया था। पूरी बाउंड्री बनी थी, पूरी दीवार खड़ी हुई थी और जो जिस तरह से नींव भरी होती है वो तालाब के किनारे लोगों ने अवैध कब्जा कर रखा था, जिसे पूरी बाबा के बुलडोजर से जो है ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई थी। फिलहाल इसी के साथ आपको बता दें धनंजय कि वहीं पर आगे थोड़ा जब बढ़ती है टीम राजस्व की जेसीबी के साथ में तो भगवानपुर पड़ता है, वहां के चक्कर घर के पास लोगों ने सड़क पर जो है झोपड़ी डाल के कब्जा कर रखा था, तो जब झोपड़ी डाल के कब्जा कर रखा था तो वहां पे तहसील प्रशासन की टीम पहुंचती है और उसे हटाने के लिए कहती है और जैसे ही जब वहां पर बुलडोजर तैयार होता है वो सड़क पर झोपड़ी बनी है उनको हटाने के लिए, तो वहां के ग्रामीण और महिलाएं जो थी वो काफी आक्रोशित हो जाते हैं, जो झोपड़ी में रह रहे थे वो भी काफी आक्रोशित हो जाते हैं और जमकर जो है ईंट पत्थर बरसाने लगते हैं। आपको बता दें कि ईंट पत्थर जो जेसीबी मशीन थी उसको तोड़ा गया, उस जेसीबी मशीन के शीशे टूट गए थे, उसे पूरी तरीके से ईंटों से तोड़ दिया गया था और जो जेसीबी चालक था उसको भी दौड़ाया था। पहले तो आई इंडिया अपने दर्शकों को वो वीडियो दिखा दे जिसमें जो वहाँ के लोग हैं, जो महिलाएं हैं, जो पुरुष हैं, उस जेसीबी के चालक को किस तरह से दौड़ा रहे हैं, आइए पहले वो इस वीडियो देखते हैं। बिल्कुल, तो आपने वो वीडियो देखा कि किस तरह से वहाँ के लोग जो है जेसीबी चालक को दौड़ा रहे हैं। अब आपको वो वीडियो दिखाते हैं जिस तरह से ईंट और पत्थर से हमला करके बाबा के बुलडोजर पर हमला किया गया था, वो भी वीडियो देख लेते हैं कि किस तरह से जेसीबी को नुकसान पहुँचा है। बिल्कुल, तो धनंजय आपने देखा कि किस तरह से ये जो हमला किया था बाबा के बुलडोजर पर और वहाँ के जो जेसीबी का चालक था उसका असर बताते हैं कि फूट गया था, जिसके चलते फिर वहाँ पे लोगों ने जो है जो नायब तहसीलदार थे उनको जो है तहसीलदार पर वहाँ पर रोकने का प्रयास किया। तत्काल नायब तहसीलदार ने इसकी सूचना लेखपाल तहसीलदार को दी, तो जैसे ही वीरेंद्र सिंह वो वहाँ पहुँचते हैं तहसीलदार और साथ में कोतवाली देहात के इंस्पेक्टर विमल गौतम भी वहाँ पहुँचते हैं, मैं फोर्स पूरा बल पुलिस बल पहुँचता है। जैसे ही वहाँ पहुँचते हैं तो वो लोग ग्रामीणों से बात
करते हैं और जो झोपड़ी में रह रहे थे उन्हें 3 दिन का समय देते हैं। कहते हैं कि ये जो आप लोगों ने कब्जा कर रखा है, अवैध रूप से कब्जा किया है, उसे खाली करें, 3 दिन के बाद फिर से हम लोग आएंगे, पूरी कार्रवाई करेंगे। तो 3 दिन का वहां पर समय दिया था। समय देने की ये भी वजह रही कि वो वहां के लोग जो थे आक्रोशित थे, उनका बड़ा आरोप था कि प्रशासन के द्वारा कोई सूचना नहीं दी गई। लेकिन प्रशासन का ये कहना था कि बारिश होने लगी थी, बारिश के बीच अतिक्रमण हटा रहे थे और हटाने के बाद जो है वहाँ पर लोग में काफ़ी आक्रोशित हो गए थे और जेसीबी को नुकसान पहुँचाया था, जेसीबी चालक को नुकसान पहुँचाया था। फिलहाल अब आपको धनंजय वो वीडियो दिखाते हैं कि जब जो मजिस्ट्रेट की नायब तहसीलदार की गाड़ी जो बोलेरो कार थी उस पर देखे किस तरह से वहाँ के ग्रामीण अचानक कार में हावी हो जाते हैं और उनको जो नायब तहसीलदार हैं वहाँ पर कानून को उनको रोकते हैं, उनसे बातचीत करते हैं। मतलब काफ़ी माहौल जो था वहाँ पर वो आक्रोशित ग्रामीण से काफ़ी गर्मा गर्मी का माहौल हो गया था। तो वो भी वीडियो भी दिखाते हैं आपको। तो वो वीडियो देखा आपने कि इस तरह से जो पब्लिक थी वहाँ की, ग्रामीण थे, वहाँ के लोग थे, मजिस्ट्रेट की गाड़ी को कैसे रोक लिया था, वहाँ पे बरसात भी हो रही थी। और अब वो भी वीडियो आपको दिखाते हैं कि किस तरह से वो वहाँ के लोग जो थे वो गहमा गहमी कर रहे थे, बातचीत कर रहे थे, आक्रोशित थे। वो भी वीडियो आपको दिखा दें कि जो लोग वहाँ के रहने वाले थे वो प्रशासन को मना कर रहे थे कि तोड़े नहीं, क्योंकि वो उन लोगों ने जो कब्जा कर रखा था वो कहते हैं हमने कोई कब्जा नहीं कर रखा, झोपड़ी डाल के रखी है, लेकिन प्रशासन कह रहा था कि सड़क पर आप लोगों ने कब्जा कर रखा है, उसे खाली कराया जाएगा। तो धनंजय आइंडिया के दर्शकों को वो भी अपने दिखाया कि किस तरह से ये पूरी बात हुई, किस तरह से पूरा मामला हुआ। उसी के चलते अब आपको बता दें कि आज 28 तारीख 28 सितंबर है, जिसमें राहुल तिवारी के द्वारा कोतवाली देहात में एक तहरीर दी गई। तहरीर जो है वो नामजद दी गई, जिसमें नादिर पुत्र ये सज्जाद अली, ये रहने वाले भगवानपुर के हैं, कोतवाली देहात के। वहीं अब्दुल वहीद, इनके पिता का नाम सज्जाद अली है और ये भी ग्राम भगवानपुर के रहने वाले हैं। वहीं आज़म, पिता का नाम रोज़े अली, और नाजिम, पिता का नाम रोज़े अली, और रुखसार, ये पिता का नाम, इनके पति का नाम वसीम। वहीं 20 से 25 अज्ञात, मतलब 5 नामजद हैं और 20 से 25 अज्ञात लोगों पर मुकदमा दर्ज किया है। मुकदमा भी जो BNS की धाराओं में दर्ज है, इसमें 191-2, 191-3, 132, 109, 241, 352, 351-2, 324-4, 115-2, 125 और आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम 1932 के तहत 7 धारा में, यानी कि 11 धाराएं जो हैं BNS की वो लगाई गई हैं। और इसमें जो तहरीर दी गई, जो FIR दर्ज हुई है, राहुल तिवारी जो लेखपाल है तनिमपुर के, उनके द्वारा तहरीर दी गई है। उन्होंने साफ तौर पर लिखा है कि जब वहाँ पर कोतवाली देहात के अंतर्गत जो है वो लोग अतिक्रमण हटवाने गए थे, तभी अतिक्रमण के साथ जो है उनको राजस्व टीम और जिसमें नायब तहसीलदार थे और लेखपाल थे, लेखपाल अंजनी सिंह थे, लेखपाल भुवनेश श्रीवास्तव थे, लेखपाल वीरेंद्र बलिया थे, ये 27 सितंबर 2024 को समय दोपहर 12 बजे गए हुए थे। तभी राजस्व टीम के द्वारा अवैध अतिक्रमण को हटवाया जा रहा था और ग्राम प्रधान जो नादिर हैं पुत्र सज्जाद अली व उसके भाई जो हैं अब्दुल वहीद पुत्र सज्जाद अली मौके पर कई लोगों के साथ मौजूद थे, अवैध कब्जा हटाने को लेकर विरोध करने लगे।
और जब राजस्व टीम द्वारा मना किया गया तो ग्राम प्रधान नादिर व उसका भाई अब्दुल वहीद व आजम नाजिम पुत्रगल रोजे अली निवासी ग्राम भगवानपुर अभद्र भाषा व गाली गलौज करने लगते हैं। तभी मौके पर 20 से 25 लोगों को अब्दुल वहीद के द्वारा बुला लिया गया और अब्दुल वहीद के द्वारा कहा गया कि सभी लोग मिलकर राजस्व टीम को मारो, जिसमें एक महिला रुखसार पत्नी वसीम ये निवासी भगवानपुर ने अन्य अज्ञात महिलाओं के साथ मिलकर जेसीबी मशीन पर पथराव कर उसे क्षतिग्रस्त कर दिया तथा चालक का जो है सिर फोड़ दिया। तभी अब्दुल वाहिद अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर राजस्व अभिलेखों को मुझसे छीन लिया और दस्तावेजों में से नक्शा तथा अतिक्रमण हटवाने हेतु राजस्व टीम को आदेश की प्रतिलिपि व अन्य महत्वपूर्ण कागजात फाड़कर फेंक दिया, ऐसा तहरीर में आरोप लगाया है। इसके साथ बता दें धनंजय, साथ में ये भी लिखा है कि जान से मारने की नियत से राजस्व टीम व प्रार्थी पर फायर करने लगा, जिससे हम लोग डर कर छिप गए और फायरिंग करते हुए अब्दुल वाहिद वहां चला गया। फिर कार्य सरकार में ग्राम के लोगों को उकसाकर बाधा उत्पन्न की गई, जानमाल की धमकी भी दी गई। विपक्षी गणों द्वारा लाठी डंडों से व ईंट पत्थर से राजस्व टीम पर पथराव किया गया, मारने का प्रयास किया गया और इसी के चलते तमाम आरोप लगाए हैं। और उन्होंने ये भी बताया है कि विपक्षियों के विरुद्ध धाराओं में मुकदमा दर्ज करें, इसके उन्होंने अनुरोध किया है। फिलहाल जो वहाँ पे काफ़ी अफरा तफरी मच गई थी और दरवाजे की खिड़की बताते हैं कि बंद कर दी थी लोगों ने और जो पूरी राजस्व की टीम थी, तहसील की टीम थी, उसे घेर लिया था। तो इस तरह से पूरी जो वहाँ के लेखपाल हैं राहुल तिवारी तनिमपुर के, उन्होंने ये तहरीर देते हुए कोतवाली देहात में करीब मुकदमा दर्ज कराया, जिसमें 5 लोगों को नामजद और 20 से 25 अज्ञात लोगों पर जो है मुकदमा दर्ज किया है कोतवाली देहात के अंतर्गत। धनंजय, ये बड़ा मामला है क्योंकि जिस तरह से बाबा का बुलडोजर लगातार अवैध अतिक्रमण करने वालों पर, नजूल पर जिन्होंने कब्जा कर रखा उनको हटाने का सख्त बाबा का बुलडोजर शहर में गरज रहा है, शहर के साथ ग्रामीण में भी गरज रहा है। वहीं आपका चाहे सिधौली हो, चाहे मोहली हो, चाहे अटरिया हो, नैमिषारण्य हो, तमाम मतलब उत्तर प्रदेश में जिस तरह से जिन लोगों ने अवैध कब्जा कर रखा है वहाँ पर बाबा का बुलडोजर गरज रहा है और सीतापुर शहर में लगातार बाबा का बुलडोजर गरज रहा है। इसी के बीच जब ये अतिक्रमण हटाने 27 सितंबर को कोतवाली देहात इलाके के एक तालाब था वहां पर कब्जा खाली कराने गए, उसको हटाया, उसी के साथ भगवानपुर पर जो सड़क के ऊपर झोपड़ी डाल के रह रहे थे उन्हें हटाने गई थी टीम। तभी बारिश हो रही थी और वहाँ के जो ग्रामीण थे, वहाँ के जो प्रधान थे, सभी लोगों ने राजस्व टीम पर हमला कर दिया था। इसके बाद आज 28 सितंबर को पुलिस को तहरीर दी गई राजस्व टीम के द्वारा और वहाँ पर गंभीर आरोप लगाते हुए 5 लोगों को नामजद और 20 से 25 अज्ञात लोगों पर मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की मांग की है। धनंजय, तो हमारे सहयोगी निशांत गुप्ता ने बताया कि तहसील प्रशासन पे जो हमलावर थे, जिन लोगों ने हमला किया था उनके ऊपर, जिसमें जो है 5 नामजद व 20 से 25 अज्ञात लोगों पे जो है FIR दर्ज की गई है। ये अहम जानकारी इंडिया के दर्शकों तक पहुंचाने के लिए आपका धन्यवाद निशांत जी। खबर आपकी, नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।